कहते हैं माँ की ममता निस्वार्थ होती है। आज के स्पेशल में हम आपको एक ऐसी ही मिसाल दिखाने जा रहे हैं। एक बेटी अपनी माँ की बेरहमी से पिटाई करती है, पड़ोसी मोबाइल पर इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जब माँ से पूछा जाता है कि बेटी आपकी पिटाई क्यों कर रही थी, तो माँ कहती है कि मेरी बेटी ने मुझे कभी नहीं पीटा। देखिए राजू राज की स्पेशल रिपोर्ट। कुर्सी पर बैठी उम्रदराज महिला गुरवचन कौर है। गुरवचन कौर की बेरहमी से पिटाई करने वाली महिला का नाम रजिंदर कौर है। रजिंदर कौर गुरवचन कौर की अपनी बेटी है। कालका जी के ब्लॉक 7 के फ्लैट नंबर 205 का ये नजारा आम है। माँ गुरवचन कौर के घर बेटी रजिंदर कौर आती है और किसी भी छोटी सी बात पर माँ की पिटाई शुरू कर देती है। अक्सर माँ गुरवचन कौर को बेटी राजेंद्र कौर घर के अंदर पीटती है, लेकिन शनिवार के दिन राजेंद्र ने माँ गुरवचन को घर के बाहर ही पीटना शुरू कर दिया। पहले तो पड़ोसियों ने बेरहम बेटी से बेबस माँ को बचाने की कोशिश की, तो बेटी पड़ोसियों से भी लड़ गई। उसने कहा ये उसके घर का मामला है। ये आए जितने कभी भी आ जाती है बेटियों की, तो वो घर में मारती है। आज शनि इतवार के टाइम में उसने बाहर, यहाँ अम्मा बैठी हुई थी, पानी का टाइम आया था, हम पानी वानी भर रहे थे, दोनों माँ बेटे में तू मैं हो रही थी, तो हमने उसे समझाया भी आप लड़ाई मत करो, आप चली जाओ, गुस्से नशे में अम्मा बोल रही है। करती 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 वो वहाँ तक पहुँच गई, गाल गाल पर मुँह मुँह पर बजाए। हमने खूब मना करा मत करो मत करो, फिर वो कह रही तुम पड़ोसी हो, तुम हमसे बात मत करो, हम माँ बेटियों का मामला है। एक और पड़ोसी श्वेता गुप्ता ने राजेंद्र कौर को सबक सिखाने की ठानी। श्वेता ने राजेंद्र कौर की बेरहमी का वीडियो बना लिया। एक वीडियो आप लोगों ने बनाया है, इस वीडियो को वायरल हुआ है, तो ये कब का वीडियो है और उस वीडियो के अंदर आपने क्या देखा था? और आफ्टर यस्टरडे का वीडियो है ये, 5:30 के आसपास का। ये पहले तो बात कर रहे थे, करते करते बात करते करते पास आ गई, पास आके फटाफट इनको खींचने लगी अंदर कि अंदर चलो तब मारूंगी वो एकदम से। फिर वो आई नहीं तो उसको उनको चाटे मारने लगी। मेरी सिस्टर इन लॉ खड़े थे, मेरी मदर इन लॉ खड़े थे, फिर वो बोलने लग गए, तो तब भी नहीं छोड़ रही थी, तभी वो बोले जा रही थी बोले जा, फिर हमें ही उल्टा बैकवर्ड करने लगी कि तुम लोग मेरी, हमारा इंटरनल मैटर है, तुम इन्वॉल्व मत हो। कभी बर्तन मारती है, कभी अगर फ्राई पैन जला है तो फ्राई पैन फेंक के मारेगी या कुछ भी ऐसे, उसके बाद फ्राई पैन फेंक के मारेगी, कभी झाड़ुओं से मारेगी। पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि गुरवचन कौर के घर आए दिन बेटी राजेंद्र कौर आती है और माँ की पिटाई करती है। पड़ोसियों का अंदाजा है कि मामला प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो वजह क्या लगता है, एक बेटी अपनी माँ को मार सकती है, इसके अंदर ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है? नहीं, मेरे को लगता है जहाँ तक कि ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अकेली है, अगर ये चली जाएंगी या इनको कुछ हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की अगेंस्ट, मतलब उन्हीं की आ जाएगी, तो मेरे को लगता है माइट भी ये प्रॉपर्टी का ही है। बेटी की बेरहमी भरी तस्वीरें आपने देखी, अब आपको दिखाते हैं माँ की ममता। हमारे सहयोगी राजू राज ने मामले में दखल दिया, गुरवचन कौर से मिलने पहुँचे और कुछ सवाल किए। आपको क्यों खींच रहे हैं, खींच के आपको क्यों दरवाजे से खींच के रहे हैं, मार रहे हैं? कोई नहीं मार रहा, ना कोई दरवाजा खींच रहा, कल दुआला दरवाजा थोड़ा सा रुक जाता, सुराख में थोड़ा फर्क है निकालने में, फिटिंग होती है ना, वो कभी कभी फंस ही जाता तो कभी फिर खोलना पैंदा है। कोई मेरे दरवाजे को हाथ नहीं लगाता, ना मैं किसी का नाम झूठा लगा सकती। माँ गुरवचन कौर ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटी राजेंद्र कौर उन्हें पीटती है। ये एक माँ की बेबस ममता नहीं तो और क्या है? बेटी से आए दिन मार खाने के बावजूद माँ गुरवचन ने बेटी राजेंद्र का ही पक्ष लिया, ताकि बेटी को कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। पड़ोसियों ने अपना फर्ज निभाया, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, और होती भी कैसी,
माँ गुरुवचन कौर ने तो कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं है। बेटी राजेंद्र कौर ने कभी उनकी पिटाई नहीं की है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।